नमस्कार, वेलकम टू आर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर 94 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है टेन थीटा प्लस ये है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और हिंट दिया हुआ है कि सारे टर्म को एक्सप्रेस कर देंगे साइन और कॉस में। तो हम देखते हैं, इनफैक्ट अगर हम नहीं भी करें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूँकि एक एडवाइस दिया है तो उसको देख लेते हैं, और बिना किए दूसरे अल्टरनेटिव मेथड में हम उसको देखेंगे। तो पहले इसको एज इट इज़ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन को हम लोग टेन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम रेशनलाइज करते हैं इस पहले, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा जो वाला जो टर्म है ये जब रेशनलाइज होकर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ साइन यहाँ चला जाएगा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो यह यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए वही फंडा है, हम जो नहीं अगर कोई कॉमन आ रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम इसको पॉजिटिव, इसको एज इट इज रख लिए हैं, तो ऑब्वियसली ये टर्म कॉमन तो आ ही जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो वो कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बचेगा इसमें से साइन थीटा बच जाएगा, और ये ऊपर पहले ही साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये अब क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो साइन का साइन कट जाएगा, इससे माइनस वन आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कॉस माइनस साइन है, माइनस वन और यहाँ कॉस आएगा, तो बेसिकली माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेसिकली क्या आया साइन स्क्वायर, सॉरी साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हम अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगले पेज पे क्या है, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, देखिए हम आपको पिछले अभी से पहले भी पिछले वाले क्वेश्चन में बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको बहुत अच्छे से आना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए हम लोग को पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ये फैक्टर मेथड का है, वैसे एक और फॉर्मूला होता है लेकिन मोस्टली यही यूज, ये ज़्यादा यूज होता है, तो हमको इसको दिमाग में रखना है। अभी देखिए अगर ए के जगह पे साइन थीटा और बी के जगह पे कॉस थीटा रखें तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम उसको चिपकाएंगे वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस कॉस थीटा, और इधर का क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, सॉरी ये तो ऊपर में है ना, ये ऊपर में है, ये तो नीचे ये इतना ही टर्म है, ये ऊपर वाला यही तो था, तो हम लोग ये क्या करेंगे माइनस वाले टर्म को इससे कट कर देंगे, तो ऊपर में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन, इसी को लिख सकते हैं वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये हमारा हो गया आर एच एस, ठीक है।
अब दूसरे अल्टरनेटिव मेथड की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिव मेथड में मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ और आप उस हिंट को यूज़ करके आप खुद ट्राई कीजिए, और अगर बन गया तो आप कमेंट में आप हमको आंसर पोस्ट कीजिए, नहीं बना तो आप बताइए, हम फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में किसी वीडियो में हम ऐड कर देंगे इसको। इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें टैन को कॉट को टैन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इस कॉट को टैन के फॉर्म में कर देंगे, तो ये बेसिकली टैन ए माइनस वन बन जाएगा और ऊपर टेन स्क्वायर ए चला जाएगा और इसमें टैन नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन क्यू माइनस वन करके कुछ बनेगा और उससे नीचे वाला वन माइनस टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, फिर टेन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में और उससे हमारा ये टर्म आ जाएगा। अब हम करके देखें, नहीं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये नहीं पता, बट उस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे हमारा ये तरीका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हम लोग को इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।